तीन में कौन से वर्टिकल? तो आज स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी साहब की स्मृति में आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि सभी युवा साथी नवयुवक सभी अपना रक्त दे रहे हैं। हमारे बीच में नगर निगम के पार्षद महोदय एवं मोटर गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी साहब हमारे बीच में आ गए। जी साहब, किस प्रकार से यहाँ उत्साह देख रहे, और एक एडवोकेट भी हैं आप, उसके साथ आपके साथी भी रहे हुए हैं गणपत जी, क्या कहना चाहेंगे? और उनके जो बच्चे ये कार्य काम करें उनको कितना धन्यवाद है। स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी जो अच्छे समाज सेवी भी थे, और उनके सहज स्वभाव जो था लोगों की सेवा करने के, तो उनके आज पुण्यतिथि के अवसर पर आज ये ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। जैसे अभी इन्होंने कहा मैंने पहली बार किया, ये अपने आप में एक आदमी को स्वाभिमान महसूस करता है, मैंने भी खून दिया है। तो ये खून दिया है और इसमें सबको खून देना चाहिए, ये किसी न किसी व्यक्ति के काम जरूर आता है, और उससे एक दूसरे का ब्लड देकर दिया है दूसरे काम आएगा, इससे एक तो डर खुलता है। पहले बहुत डर होता था कि खून दे देंगे तो हमारे साथ मिल जाएगा, धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो गया है, और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में अच्छा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे बीच में इलेक्ट्री समिति के चेयरमैन साहब हेमंत जी बोरा साहब हैं, ये भी बता रहे हैं, और मैं इनको पूरा कैंप की एक बार सबको बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा कैंप किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। आज वार्ड 38 में स्वर्गीय गणपत जी चौधरी की स्मृति में उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर ये ब्लड कैंप का आयोजन जो किया है, सर्वप्रथम तो उनके बेटे को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया आयोजन इन्होंने किया। और मेरे अंदाज से 100 से ज़्यादा यूनिट यहाँ पर ब्लड डोनेशन हो चुका है, इतनी गर्मी में इतना ब्लड डोनेशन होना ये भी अपने आप में ये साबित करता है कि लोगों की ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता बहुत बड़ी है और लोगों का डर भी खत्म हुआ है। मैं अपना पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इतना बेहतरीन आयोजन करके जरूरतमंदों को ब्लड मिलेगा, उससे बहुत बहुत राहत मिलेगी लोगों की जान बचेगी। गुना सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कि सभी रक्तदाता अपना रक्त भी दे रहे हैं, और डॉक्टर हमारे साथ में नगर के समाज सेवी जनप्रतिनिधि रविंद्र पाल सिंह कप्पू साहब के सन हैं, जो कि एडवोकेट भी हैं, और इस पूरे शिविर का आप देखें कि पूरा सभी युवाओं का ध्यान लगातार रख रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के, आपके पिताजी स्वयं डोनर है, अभी कुछ दिन पहले अपन ने 100 यूनिट पूरे किए थे, और 100 बार ब्लड देने पर 100 बार हमने एक साथ सुई लगाई गई है, बहुत बड़ी शायद इतिहास में ऐसा पहला दिन होगा जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा जो लाइन से हमारा स्टार्ट किया है। जब किसी और के खून से बचती है किसी अपने की जान, तब समझ पड़ती है क्या होता है रक्त का। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे उन रक्तदाताओं को दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना हमारा साथ दिया। ये सारा जो काम होता है सोशल वर्क होता है, किसी एक बंदे के बस का नहीं होता, जब पूरी टीम जुड़ती है, जब साथ जुड़ते हैं, तभी ये काम हो पाता है। आज भी आप देखें जैसे 100 ब्लड डोनेट हो चुके हैं और 200 का टारगेट है, वो भी जल्दी पूरा होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको सबको धन्यवाद कर रहा हूँ, सारे ब्लड डोनर्स को, जिनकी वजह से और जिनके साथ से ये पूरा टारगेट हो पाया है, और 100 एक साथ करना मेरे पिताजी का, वो भी श्रेय आप सबको जाता है, आपकी वजह से और आपके साथ से ही हम सब करते हैं। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए कि रक्तदाता सभी बड़े ही खुले मन से रक्त दे रहे हैं ताकि औरों की जान बच सके, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है, इस शब्द को साकार करते हैं सभी, और बड़ी संख्या में सभी युवा और नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे पूरा लगा हुआ है। हाँ बेटा तो देखो, हमारी बहन भी रक्त देने के लिए रुक नहीं पाई और रक्त दिया, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि देखिए स्वयं गणपत जी चौधरी साहब की पुत्री भी हमारे बीच में है जो स्वयं रक्त देने के लिए पहुंची है। नाश्ता नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हुई, उस कारण थोड़ा सा
शरीर थोड़ा सा नर्वस हुआ, लेकिन जज्बा अभी तक वही का वही बना हुआ है। सबसे पहले आप किसी को अगर अपनी वजह से अगर जिंदगी मिलती है तो बेटा क्या, बेटे भी किसी से कम नहीं होती है। और ये देखिए आज स्वयं अपने पिता की स्मृति में आपने रक्त देकर बहुत ही पुण्य का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या आपका? यशस्वी चौधरी। तो आप देख सकते हैं कि सभी का जज्बा, आप देखिए यहाँ पर सभी रक्तवीर आज यहाँ पर आए हैं। एक बात और करनी थी, एक मिनट। मेरे पिताजी की स्मृति में जो रक्तदान किया उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। प्रथम पुण्यतिथि पे भी हमने रक्तदान शिविर करा था पूरे परिवार के साथ। ये दूसरा भी हमने करा है, आगे भी करेंगे। और मेरे पिताजी काफ़ी लोग वो उन्होंने भी काफ़ी बार रक्तदान किया और बहुत समाज को आगे बढ़ाया परिवार को लेकर, इसलिए हम लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ये सुंदर कार्यक्रम। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। अमर सिंह, आज ये रक्तदान श्री गणपति सिंह चौधरी के तक पुण्यतिथि में किया। लोक मित्र ब्लड बैंक को भी इन्होंने आमंत्रित किया। लोक मित्र ब्लड बैंक की सारे रक्तदाताओं को लोक मित्र ब्लड बैंक की तरफ से धन्यवाद और आभार। आपके द्वारा दिया गया ये रक्तदान जो किसी गरीब या मरीज को जीवनदान में काम आएगा। आप देख सकते हैं कि आप देंगे आप देखिए कि रक्तदान में नगर के रक्तवीर रविंद्र पाल सिंह जी पप्पू साहब के पुत्र भी रक्तदान कर रहे हैं। जी सर, आज 13 मई को गणपत जी चौधरी साहब के पुण्यतिथि में ये गणपति वाटिका में रक्तदान का आयोजन किया गया। अभी तक 100 के करीब डोनेशन दोनों ब्लड बैंक को मिला के किया। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इनके बच्चों द्वारा, परिवार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है जो मानवता के लिए भी काम आएगी और समाज के लिए उदाहरणीय है। और क्या रक्तदान करो स्वस्थ रहो, रक्तदान करो स्वस्थ रहो, रक्तदान करो स्वस्थ रहो। जय भारत, जय हिंद। एक्सप्लेन करेंगे।